केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संकेत दिया है कि इस साल के अंत तक जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। महाराजा गुलाब सिंह के 200वीं राज्याभिषेक समारोह में भाग लेते हुए राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि अब जम्मू कश्मीर से किसी का जबरन पलायन नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने डिलिमिटेशन की भी चर्चा की और कहा कि इस समस्या का समाधान कर दिया गया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता लंबे समय तक अलग थलग रही, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अपने पैरों पर खड़ा होगा और पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में एक मिसाल बनेगा। जम्मू और कश्मीर से विस्थापन का दर्द झेला, उसे हम दोबारा किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं, जम्मू और कश्मीर के किसी भी हिस्से से कोई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, हमारी ये कोशिश होगी किसी भी समुदाय का जबरन यहां से हम पलायन किसी भी सूरत में नहीं है। साथियों, हाल ही में जम्मू और कश्मीर में डिलिमिटेशन एक्सरसाइज संपन्न हुई है और यहां की विधानसभा का स्वरूप थोड़ा बदलने जा रहा है। अब तक 83 विधानसभाओं में जम्मू क्षेत्र के 37 और कश्मीर से 46 सीटें हुआ करती थी। अब इसमें बदलाव आया है कि कुल 90 सीट्स में से 43 जम्मू और 47 सीटें कश्मीर में होंगी। मुझे लगता है इस साल के अंत तक हो सकता है कि चुनावी प्रक्रिया भी प्रारंभ हो, इसकी प्रबल संभावना है। जम्मू और कश्मीर की जनता ने 70 सालों तक अलग थलग रहने की पीड़ा झेली है, अब उसका निदान किया गया है। यह नया जम्मू और कश्मीर जल्द ही अपने पैरों पर खड़ा होगा और भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में एक मिसाल बनकर यह जम्मू कश्मीर खड़ा होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है।